तो नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए लाए हैं गांधी जयंती का पोस्टर। तो आप लोग जाइए डिस्क्रिप्शन में और वहां से डाउनलोड कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है, आप देख सकते हैं। तो चलिए, मैं 3 डॉट पे क्लिक किया और गैलरी में जाने के बाद आपको यहाँ पर मैंने बैकग्राउंड पहले से बना लिया है, तो आप लोग को आसानी होगी, यहाँ से आप लोग यूज कर सकते हैं। तो आप लोगों को हर एक पार्ट का PLP फाइल मिल जाएगा, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जाइए डिस्क्रिप्शन में और वहां से यूज कीजिए। तो सबसे पहले चलिए हम यहां पे इस टेक्स्ट को पहले डिलीट कर देते हैं इस टैब से, और यहां पे चलिए प्लस के आइकन पे क्लिक करके यहां पे गैलरी में चलते हैं, और यहाँ पर हम कुछ टेक्स्ट बनाया है तो वहाँ चलिए ले लेते हैं। जैसे कि मैंने ये कुछ बनाया है, 2 अक्टूबर यानी कि जन्म हुआ था महात्मा गांधी जी के। तो यहाँ पे चलिए हम इसके बाद यहाँ पे कलर पे जा कर के यहाँ से हम कलर को ब्लैक कलर ले लेते हैं, जिससे वाइट पे ब्लैक दिखे, आसानी से देख सकते हैं। तो हमें ब्लैक लेना है, ठीक ना। इस तरह से मैंने ब्लैक ले लिया, और उसके बाद इसको छोटा कर देते हैं इस तरह से, और इस तरह से यहाँ पे हम एडजस्ट कर दिए। और उसके बाद चलिए फिर से यहाँ पर प्लस के आइकन पर फिर से हम चलते हैं गैलरी में, और यहाँ पे कुछ लिखे हैं टेक्स्ट, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। और इसको इसका भी कलर हम ले लेते हैं ब्लैक, जिससे ये साफ़ नज़र आए, या फिर आप दूसरा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर ब्लैक ज़्यादा रोमांचक लगता है दिखने में। तो इस तरह से आपको ऐसे कर देना है, तो ये भी हो गया। और उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ पे शेप को लेना है और इस तरह से बड़ा कर देना है इस तरह से। और यहाँ पे सबसे पहले ऊपर में कौन सा कलर होता है, रेड, तो सबसे पहले हम रेड कलर को चूज करते हैं। यहाँ पे रेड हो गया, और उसके बाद इसको हम कॉपी करके यहाँ पे वाइट होता है सेकेंड नंबर पे, तो फिर कलर में ले रहे हैं वाइट, इस तरह से वाइट हो गया। और इसको थोड़ा नीचे कर देना है इस तरह से, ये हो गया। उसके बाद फिर से कॉपी कर देना है और ग्रीन कर देना है, क्योंकि 3 रंग का होता है, तो यहाँ पे ग्रीन नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे प्लस के आइकन पर जा कर के ग्रीन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हो गया, ओके कर देना, तो ग्रीन ये हो गया। तो इसको धीरे से नीचे करके पकड़ करके भी, या फिर आप इधर उधर करके पोजीशन को, यहाँ पे हो गया, तो चलिए पोजीशन करके दिखा देते हैं। यहाँ पे पोजीशन करके यहाँ पे थोड़ा इसको इस पर करके यहाँ पे धीरे धीरे नीचे कर देना है, बस हो गया। यहाँ पे ओके कर देना है, तो इतना मेरा हो गया। तो यहाँ पर चलिए सबसे पहले और चैनल का भी लोगो ले लेते हैं, जो भी आपका चैनल होगा आप लोगों ले लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे चैनल का लोगो ले लिया, इस तरह से आपको छोटा कर देना है पूरा। और इसके बाद न्यू टेक्स्ट लेना है, जिसके लिए आपको प्लस के आइकन पे क्लिक करके, यहाँ पे टेक्स्ट है तो टेक्स्ट लेकर के यहाँ पे आपको पेंसिल के आइकन पे क्लिक करना है, और इस पर देखिए ये हो गया, और इस पर क्लिक कर देना है आपको। तो यहाँ पर मैंने इतना लिख लिया, तो यहाँ पे ओके करना है, और इसको छोटा सा करके इस तरह से आपको यहाँ पर एडजस्ट कर देना है। तो मेरा बन चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।